सागर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक आवेदक जो ना सुनवाई में पूजा की थाली और मिठाई लेकर पहुंच गया और डिप्टी कलेक्टर के सामने अर्पित कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रशासन भगवान तो नहीं, लेकिन परेशान लोगों के लिए भगवान से कम भी नहीं। शायद इसलिए एक किसान प्रशासन को प्रसन्न करने के लिए पचरंगी मिठाई, धूपबत्ती, कुमकुम और चावल से थाली सजाकर कलेक्टरेट कार्यालय पहुंच गया। प्रसाद है, पचरंग मिठाई है, धूपबत्ती है और नारियल है और कुमकुम चावल है। भगवानों को चढ़ाते हैं तो वो प्रसन्न हो जाती है, सब लोग ले लें और वे प्रसन्न हो जाएं। मामला सागर का है, जहां सत्ता से मझाना गांव के किसान ने समस्या पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कदम उठाया। दरअसल किसान की मां के नाम पर 3 एकड़ की जमीन थी। 2019 में मां के निधन के बाद किसान को जमीन ही नहीं मिली। 2.5 साल तक कोर्ट कचहरी के बाद अगस्त में किसान को जमीन मिल गई, लेकिन अब गांव के दबंग वहां खेती नहीं करने दे रहे। तो एक तो पैसों से हीन हो गए और हर चीज से हार चुके हैं हम, तो ये आदेश हो चुका है, इसको 2 महीने हो चुके हैं आदेश हुई। और गांव के दबंग लोग हम लोगों को ना वतन नहीं दे रहे, ना बोने करने दे रहे, और महिलाओं को भी देते हैं लड़ने के लिए। हम लोग क्या करें, हम लोग भाग जाते हैं, महिलाओं अगर हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हमारे ऊपर उल्टा केस हो जाएगा। किसान का कहना है प्रशासन इस मामले में कोई सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए वो प्रशासन को 5 रंग की मिठाई खिलाकर प्रसन्न करने आया है। वहीं जनसुनवाई कर रही डिप्टी कलेक्टर ने किसान की समस्या सुनी और मिठाई भगवान को चढ़ाने के लिए बोल दिया। ये प्रसाद की थाली की क्या जरूरत, प्रसाद की थाली इसलिए लिए हैं कि पिछली बार हमने नारियल दिया था, तब जाके हमारा आदेश हुआ। प्रसाद है, पचरंग मिठाई है, धूपबत्ती है और नारियल है और कुमकुम चावल है। क्या कारण है इस प्रकार के? इस कारण ये है कि आजकल देखो रिश्वतखोरी चल गई बहुत, हर जगह प्रशासन है ना, बिना पैसे के काम नहीं करता। मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो सर लोगों को देते हैं प्रसाद के साथ, भगवानों को चढ़ाते हैं तो वो प्रसन्न हो जाती हैं, सर लोग ले लें और वे प्रसन्न हो जाएं। जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार ने कई तरह की व्यवस्था की है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों को ढीले रवैये के कारण समस्याएं जस की तस बनी रहती है। अब देखना ये होगा कि किसान अजीत की समस्या का समाधान होता भी है या नहीं। सागर से नितिन भट्ट के साथ टीम न्यूज़ टीम। रायसेन जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर भरदा चंदोरा गांव में बिना अनुमति के दर्जनों पेड़ काट दिए गए। खास बात यह है कि ये सभी पेड़ 200 साल पुराने बताए जा रहे हैं, जिसे काटा गया है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जिला प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग ने मुआयना किया और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। अधिकारी का कहना है कि यहां आदिवासियों की जमीन बेचने का भी मामला सामने आ रहा है, जिसकी जाँच की जा रही है। विदिशा स्टेशन पर आरपीएफ ने नकली घी की खेप जब्त की है, जहां भोपाल से आई महिलाएं नकली घी लेकर विदिशा स्टेशन पर उतरी थी। वहीं मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम को बुलाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एडमिन पन्ना ने घी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये डालडा और तेल की सामग्री को मिलाकर घी तैयार करते थे। मुझे आरपीएफ के द्वारा यहाँ जो कुछ महिलाओं का ग्रुप था, ये नकली घी जो भोपाल से लेकर आ रही और विदिशा शहरों में मोहल्लों में बेच रही हैं, उनके द्वारा ये बताया गया। तो हमने यहाँ निरीक्षण के लिए आए और हमने इनसे 5 जो बर्तन है वो उसमें घी देखा, कम से कम 40-50 लीटर के आसपास। और हमने इनसे संदेह के आधार पर जो देखा कि ये मिलावटी लग रहा है प्रथम दृष्टया, और इसके आधार पर हमने सैंपलिंग की कार्रवाई की है। खरगोन के कसरावा जनपद के ग्राम खामखेड़ा दुर्गापुर रोड पर अतिक्रमण को लेकर चल रहा विवाद जिला मुख्यालय पहुंच गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अतिक्रमण हटाने और ग्रामीणों के खिलाफ की गई शिकायत वापस करने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमणकारी हमेशा उनके साथ विवाद करते हैं, ऐसे में उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वो इस मामले का संज्ञान ले। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।